अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बदुल फूड डायरीज। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो देखिए, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल सी हमारी कॉफ़ी है, ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ। दो गिलास हमारे पास दूध है, यानी कि ठंडा दूध है, चिल्ड मिल्क लेना है आपने। 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर है, 2 टेबल स्पून हमारे पास इंस्टेंट कॉफ़ी है, जो सिंपल आपको पता है कॉफ़ी हमारी मिलती है वही वाली। 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम है, 2 स्कूप्स ही हमारे पास वनीला आइसक्रीम है, ठीक है। और आप चाहें तो आप बिल्कुल क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास थी तो मैंने ऐड कर दी, आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब देखें, सिंपल हमने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी के अंदर ना 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। इक्वल क्वांटिटी ली थी मैंने, 2 टेबल स्पून ही वाटर था, 2 टेबल स्पून ही हमारे पास कॉफ़ी थी। हम इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारी बिल्कुल ग्रैन्यूल फ्री हमारा कॉफ़ी बनेगी, क्योंकि इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो ब्लेंडर में जाकर भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होते। तो इसलिए आप जब भी ब्लेंडर में कोई चीज़ करें ना, तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड करके मिक्स करके डालें, डिसॉल्व करके डालें पानी के अंदर, तो आपकी इससे बहुत अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनेगी। तो अब देखिए, ठंडा दूध मैंने ब्लेंडर के अंदर डाल दिया, 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाल दी, और ये 2 स्कूप्स ऑफ वनीला आइसक्रीम डाल दी। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं ऐड की थी, मैंने इसको एज इट इज़ बनाई थी, आपकी चॉइस है, आप बिल्कुल इसको ऐड कीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और हमने ये अपनी डिसॉल्व की हुई कॉफ़ी भी ऐड कर दी, और ये 2 टेबल स्पून जितना क्रीम ऐड कर दी। और अब सिंपल बस इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बस देखिए, सिंपल हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ब्लेंड जैसे कि आपको लगे सब अच्छे से मिक्स हो गया है, कॉफ़ी शुगर सब अच्छे से ब्लेंड हो गया, वैसे ही हम इसको अच्छे से अपने किसी ग्लास के अंदर डालकर ना हम इसको सर्व कर देंगे। सिंपल देखिए, मैं आपको ब्लेंड होते हुए भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बता रही हूँ, आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो अब देखिए, हमारे पास कॉफ़ी आ गई, और अभी हम मैंने ग्लास को ना सिंपल इस तरीके से चॉकलेट सॉस डालकर ना इसको बस हल्का सा ड्रिजल कर दिया था, आपके पास नहीं आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे पास थी तो मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए कर लिया था सिंपल। और अब हम इसको बस अपने ग्लास के अंदर पोर कर देंगे, ठीक है। मैं इसको इतना पोर करी क्योंकि हम इसके ऊपर ग्लास भी अच्छे से आइसक्रीम हम इसके ऊपर अच्छे से टॉप करेंगे। और ये देखिए, हमारे पास एक कोन आइसक्रीम रखा हुआ था घर में, सो मैंने उससे इसको गार्निश कर लिया, आपके पास नहीं आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एज इट इज़ जैसा आपको सर्व करना आप इसको वैसे कीजिएगा। हाँ, मगर आप एक स्कूप आइसक्रीम ज़रूर डालिएगा, उससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखें, चॉकलेट थी ना, मैंने इसके ऊपर सिंपल उसके स्वेल्स बनाकर ना उसको मैंने डेकोरेट कर लिया। तो हमारे पास चॉकलेट है, ये कोन आइसक्रीम है, और ये वनीला आइसक्रीम भी मैंने इसको स्कूप आउट कर दिया है। तो इन तीनों चीज़ों से मैंने इसको सिंपल गार्निश कर दिया है। और ये देखिए, हमारे पास ये ब्राउनी की रेसिपी, सॉरी ये ब्राउनीज है जिसके साथ मैंने इसको सर्व कर दिया है। और अगर आपको मेरी ब्राउनी की रेसिपी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से मेरी इजीली देख सकते हैं। मैं आपको लिंक इसका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मेरी ब्राउनी की रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने इसको इस तरीके से ब्राउनीज के साथ सर्व किया था, और इस तरीके से बस सिंपल चॉकलेट की डेकोरेशन के साथ ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल लग रहा था इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन। वैसे भी ब्राउनी इस वनीला आइसक्रीम के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो जब आप इस तरीके से कोल्ड कॉफ़ी के साथ सर्व करेंगे तो आपको ये और मज़ेदार और फ्लेवरफुल लगेगी। सो आप मेरी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।